आप इसको ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत ही अमेजिंग बनता है, बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। हेलो एवरीवन, आरफा किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जो सबका पसंदीदा और सबको बहुत पसंद होता है कि आप घर पे बनाएंगे, मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। और मेरी गारंटी है अगर आप सेम इसी तरह से बनाएंगे तो घर पे भी आपका सेम इसी तरह का पिज्जा बनकर रेडी होगा। ये बहुत ही डिलीशियस बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है, बच्चों के लिए, घर के बड़ों के लिए, या अपने लिए बनाएं और मुझे बताएं कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी। तो इंग्रेडिएंट्स मैं बता देती हूँ आपको मैंने क्या क्या लिए हैं। मैंने ये लिया है 2 कप के लगभग मैदा, 1 चम्मच लिया है मैंने नमक, 1/2 चम्मच लिया मैंने चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच लिया है मैंने ओरिगैनो मिक्स हर्ब, ये थोड़ा सा मैंने लिया है सोडा, बेकिंग सोडा है या आप कोई भी नॉर्मल सोडा यूज कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है तेल, गुनगुना पानी लिया है, 1/2 कप लिया है मैंने दही, ये मैंने चीज ले लिया है, ये मैंने घर की बनाई हुई पिज्जा सॉस ली है जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में या मेरे पेज पर चैनल पर चेक कर लीजिएगा, इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। ये बहुत ही अच्छी बनी हुई है, बहुत फ्लेवरफुल है। और वेजिटेबल्स में मैंने लिए हैं ये 1 प्याज जिसको मैंने इस तरह से डाइस कट कर लिया है, ये मैंने रेड कैप्सिकम ली है, येलो कैप्सिकम ली है, ग्रीन कैप्सिकम ली है, 1 टमाटर लिया है और ये कॉर्न लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो आपके बच्चे पसंद करते हो वो। मैं ये स्लाइस चीज भी ले रही हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रेडी करेंगे हम पिज्जा बेस के लिए अपना आटा। तो मैदे में मैं डालूंगी ये नमक, सोडा और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये दही, और ये तेल, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें हल्का हल्का सा गुनगुना पानी ऐड करके इसको एक सॉफ्ट डो बनाकर रेडी कर देंगे। हल्का हल्का सा तेल लगा के हम इसको गूंदेंगे ताकि इसका सॉफ्ट डो बनकर रेडी हो जाए। आटे को हमें बहुत अच्छे से गूंदना है तभी हमारा पिज्जा बेस बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट बनकर रेडी होगा। तो ये आटा हमने रेडी कर लिया है, हम इसको ढक करके कम से कम 15 मिनट के लिए सेट होने देंगे। और जब तक ये सेट होगा हम अपनी वेजीज को हल्का हल्का फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पैन में हम ले रहे हैं 1 टेबलस्पून ऑयल और इसके अंदर हम डाल देंगे ये हमारी सारी सब्जियां। सब्जियों को फ्राई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम ओवन में पिज्जा को बेक करते हैं तो उसमें सब्जियां आसानी से पक जाती हैं, पर हम अगर तवे पे बनाते हैं तो सब्जियों में थोड़ा कच्चापन रह जाता है, तो इसलिए हमें सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई करना जरूरी है ताकि ये हल्की सी गल जाए। थोड़ा सा हम नमक मिला देंगे, तो अब बस हमारी सब्जियां रेडी हो चुकी है। अब हम गैस को कर देंगे बंद। तो अब हमारा मैदा सेट हो चुका है, हमें क्या करना है, हमें इस मैदे के पेड़े तोड़ने हैं, एक छोटा और एक थोड़ा सा बड़ा। इस तरह से, ये 2 बड़े पेड़े और ये 2 छोटे पेड़े। तो अब मैं बताती हूँ आपको हमें करना क्या है। एक टिप्स मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप पिज्जा का बेस बनाएं तो उसको कॉर्नफ्लावर से ही बेलने लगा के, आटा नहीं ले। इससे क्या होता है, हमारे जो पिज्जा के बेस बनकर रेडी होते हैं उनमें थोड़ी क्रिस्पनेस और थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं अब क्या करूंगी, ये छोटे पेड़े लूंगी और उनको बेल लूंगी। मकई का आटा लगाकर इसको हमें बेल लेना है।
इसको हम इस तरह से बेल लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इस फॉक की हेल्प से इसमें हम पास पास सुराख कर देंगे ताकि ये फूले नहीं। इसी तरह से हम अपना दूसरा पेड़ा भी पेल कर रेडी कर लेते हैं। तो अब ये दोनों पेड़े मैंने बेल कर रेडी कर लिए हैं। अब मैं बताती हूँ हमें क्या करना है नेक्स्ट। अब हमें करना है तवे को गरम, और जब तवा गरम हो जाएगा तो हम उस पर डालेंगे ये जो पिज्जा की रोटी हमने बनाकर रेडी करी है वो, और मीडियम फ्लेम पर इसको दोनों साइड से हम सेक लेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो अब ये इस तरह से हमने ये बेस बनाकर रेडी कर लिया है। आप चाहे तो सिर्फ इस बेस के ऊपर अपनी सारी टॉपिंग लगा के पिज्जा सॉस लगाकर पिज्जा बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ उसके लिए हमें क्या करना है। तो अब हम लेंगे ये बड़ा हमारा आटे का पेड़ा, इसको भी हम बेल लेंगे। किनारों को इस तरह से हम दबा देंगे और फिर इसमें हम इस फॉक की मदद से सुराख कर लेंगे। हमें इस बेस को इस बेस से थोड़ा सा बड़ा रखना है, लगभग 1-1 इंच एक्स्ट्रा। तो अब मैं आपको बताती हूँ हमें आगे क्या करना है। तवे पे चारों तरफ हम लगाएंगे हल्का सा तेल, जिसको हमें चारों तरफ इस तरह से लगा देना है। अब इस पर हम रखेंगे जो हमने दो बेल कर रखा है वो। अब हमें इसके ऊपर लगाना है चीज। अब चीज इस तरह से लगाने के बाद हम इस पर लगाएंगे ये जो बेस हमने पहले सेक कर रेडी रखा था वो, और उसके एजेस को इस तरह से हम कर देंगे बंद। तो ये सारे एजेस जब बंद हो जाएंगे तो हमें क्या करना है, गैस को करना है ओपन और पहले इसको एक साइड से हल्का सा सेकना है, ज्यादा नहीं सेकना, हल्का सा सेकना है। फिर हम इसको पलट देंगे, इस साइड से भी हमें हल्का सा इसको सेक कर रेडी करना है। हल्का सा हम लगा देंगे ऑयल, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा। और फिर हम चूल्हा कर देंगे बिल्कुल हल्का, स्लो हीट पर, बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है हमें इसकी जब हम इसको करेंगे। तो अब मैं इसको पलट देती हूँ। ये हमारा एक साइड से बहुत अच्छे से पक चुका है। अब हमें इस पे लगानी है पिज्जा सॉस जो हमने घर में बनाकर रेडी करी थी वो। हल्का सा लगाएंगे केचप। अब हम इस पे डालेंगे टॉपिंग्स। अब हम इसमें डालेंगे ये चीज। और हम इसमें डालेंगे ये हर्ब्स और चिली फ्लेक्स। और इसको स्लो हीट पर ढककर हमें 15 मिनट तक पकने देना है। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं हमारा पिज्जा रेडी हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये देखिए चीज बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ ये कैसा बना है। हम इस पे डालेंगे हल्की सी चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो
मिक्स हर्ब। और मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आपको ये कैसा लगता है। तो अब ये रेडी हो चुका है हमारा चीज बर्स्ट पिज्जा। आप इसको जरूर ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत ही अमेजिंग बनता है, बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर एक अमेजिंग सी और टेस्टी सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।